गोल्ड मेडल है। डीवेट कॉम्पिटिशन में मैं सेकंड आया था, तो मुझे मेडल, टीम जीतेगा सभी को मेडल मिलेगा। चांस भी हो सकता है, सोलो परफॉर्मेंस भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन यू। ये जो मेडल है ये सिर्फ पूरे बटालियन में से, पूरे कैंप में से एक ही बंदे को मिलेगा। ठीक है, तो अभी माता जी, हाउ टू गेट मेडल्स इन CATC कैंप। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे पास NCC के CATC कैंप में से तीन मेडल है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात करते हैं, ये जो गोल्ड मेडल है ये था सीनियर था, मैं सीनियर था, चार्ली कंपनी के प्लाटून का सीनियर था, तो मुझे ये मेडल मिला था। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक है ये कल्चर का मेडल, ये जो ब्लू वाले आपको मेडल दिख रहे हैं ये कल्चर के मेडल से सिल्वर वाले, ये था डांस कॉम्पिटिशन में हम फर्स्ट आए थे तो उसमें हमें मिला था, ग्रुप डांस था उसमें हम फर्स्ट आए थे, तो आप देखना वाला डांस मेरा बहुत बेहतरीन था, उसमें मैंने स्टंट्स भी किए थे तो उसमें हम फर्स्ट आए थे। नेक्स्ट था डीवेट कॉम्पिटिशन में मैं सेकंड आया था तो मुझे मेडल मिला था। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं इनके फोटोज कुछ इस तरीके से, ये तीन मेडल है मेरे पास। तो आज के लिए हम बात करेंगे कि आप भी इन मेडल्स को कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवेंट्स की, कि कौन कौन से इवेंट होते हैं और किस तरीके से आप उनको जीत सकते हैं। ठीक है, मैं तीन कैटेगरी में जनरली डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे NCC में मेडल जीतने के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की। ठीक है, स्पोर्ट्स में आप किस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा कल्चर वाला पार्ट, कल्चरल वाला, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट वन है नॉट लिस्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये बोनस वाला पार्ट है, इसको हम लास्ट में बात करेंगे। किस तरीके से अगर आप ना ही स्पोर्ट्स में, ना ही आप में कोई टैलेंट है, ना ही आप में कल्चर में, तो आप किस तरीके से मेडल ले सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे विद प्रूफ। मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कितने अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में हमारा होने वाला है बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल का कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, पूरा जो टीम जीतेगा सभी को मेडल मिलेगा। ठीक है, जितने बास्केटबॉल प्लेयर रहेंगे उस एक टीम को पूरे को मेडल मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टग ऑफ वॉर। ठीक है, टग ऑफ वॉर यानी आपको पता है रस्सा खींच का कंपटीशन होता है, इसमें कंपनी वाइज आपको मेडल मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर करना, इसमें भी आप जीत सकते हैं मेडल। नेक्स्ट वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल का भी हमारे टाइम पे बटालियन में मैच हुआ था CATC गेम में। ठीक है, तो इसमें भी आप मेडल दे सकते हैं, पूरी टीम को मिलेंगे। ठीक है, आपका क्रॉस कंट्री। ठीक है, जिनकी रनिंग अच्छी है वो क्रॉस कंट्री में पार्टिसिपेट करना, अच्छी खासी रनिंग होगी, वहां पे आपको मेडल जीतने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो बेसिक से होती है, मतलब ये चार तो होगी होगी, चार में से तीन तो कन्फर्म होगी होगी, इसके अलावा और एक्टिविटीज होती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर की। ठीक है, कल्चर में काफी सारी चीजें होती है, सबसे नंबर वन होगा आपका डिबेट। ठीक है, डिबेट कॉम्पिटिशन 100% लेना, मैं भी आया था सेकेंड, 100% आप इसमें जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट में। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं हिंदी में, मैटर करता है कॉन्फिडेंस से बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है, जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड बोलना। मेरी काफ़ी सारी मिस्टेक सुधरी थी मैंने जब इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, टू द पॉइंट का ध्यान रखना, जो टॉपिक दिया उसके ही पक्ष विपक्ष जो भी चॉइस रही आपकी उसमें बोलना है और कॉन्फिडेंस से बोलना है, ये मैटर करता है। ठीक है, आपका प्रभाव कितना होता है, इफेक्ट कितना होता है आपकी बातों का, वो मैटर करता है। ठीक है, कल्चर रिलेटेड और बात करते हैं डांस। ठीक है, अब यहाँ पे डांस ग्रुप डांस भी हो सकता है, सोलो परफॉर्मेंस भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं अच्छा खासा टैलेंट। ठीक है, टैलेंट या फिर आपकी कोई स्किल है, लाइक आपको नानचा कुछ चलाना आता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें योगा वाला परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक है, जो आपकी स्किल है, टैलेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग इसमें भी आपका ग्रुप और सोलो दोनों परफॉर्मेंस मैनेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्किट या फिर ड्रामा। ठीक है, हम ड्रामा बात करते हैं, ड्रामा अगर किसी तरह का कर सकते हैं तो हम बात करेंगे यूनिक की। ठीक है, कोई भी यूनिक चीज़ आप एक अच्छा बढ़िया पेट्रियोटिक ड्रामा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सिंगिंग, डांस, सारी चीज़ की चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है वो मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो मेडल है ये सिर्फ पूरे बटालियन में से, पूरे कैंप में से एक ही बंदे को मिलेगा। ठीक है, जो CATC कैंप 10 डेज का होगा उसमें सिर्फ एक ही बंदे को मिलेगा। ये था ऑलराउंडर का। ठीक है, ऑलराउंडर का। ठीक है, तो आपको जैसे बता दूं, हमारा जब ये CATC कैंप हुआ था कनाशिया, तो वहाँ पे अभिषेक था, है ना, तो उसको ऑलराउंडर का मेडल लगा क्योंकि उसने काय काय में पार्टिसिपेट किया था, देखना ध्यान से, डेमो जितने भी, वो एक नॉर्मल कैडेट था, कोई सीनियर नहीं था किसी चीज़ का, ना ही वो उसने इनमें से किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, वो था ऑलराउंडर, उसने किया डेमो। अब एम्बुश का डेमो होता है, FCBC का डेमो होता है, जितने भी तरह के सेक्शन फॉर्मेशन है उसका डेमो होता है, तो उसने उन सभी में पार्टिसिपेट किया था डेमो में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसने ड्यूटी की थी, अपनी इच्छा से ड्यूटी की थी लंगर में। ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में उसने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, ओवर ज़्यादा टाइम वो वहीं पे रहता था तो उसने वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छे से मैनेज किया था। ठीक है, तो ये अली ड्यूटी की थी उसने, तो इससे भी काफ़ी नज़र मिला, और जितना भी मैनेजिंग का कार्य था, लाइक सामान इधर से उधर ले जाना, तो उसमें भी उसने आगे इनिशिएटिव लेके काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था PI स्टाफ का, कैडेट्स का, तो वो नज़र में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर आप
किसी भी चीज में नहीं है तो आप अपनी इच्छा से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं इन सभी को छोड़ के, तो यहाँ से भी हम मेडल सकते हैं। तो ये जो यूनिक मेडल था, ठीक है, तो मैं हम सब सोचते भी रहेगा कि यार इसने ऐसा काम किया, मतलब अमेजिंग है। मतलब कि जरूरी नहीं कि आप में इन सभी से रिलेटेड कोई टैलेंट, आप में एक यूनिक स्किल हो सकती है जो कि रहती है हेल्प करने की, ठीक है। अगर आप हेल्प करने की फैसिलिटी रखते हैं, यानी स्किल भी काफ़ी अच्छी होती है अगर आप में है, तो आप हेल्प कीजिए इस तरीके से, तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये था, और इसके अलावा दो चार चीज़ें और हैं जिसमें अदर द कैडेट्स ने मेडल्स लिए थे। लाइक आपका होता है कॉम्पिटिशन गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, ये होता है, इसका कॉम्पिटिशन होता है, तो इसमें भी आप जी सकते हैं। टेंट पिचिंग, ठीक है, टेंट पिच करना, ठीक है, टेंट को लगाना विद इन अ मिनट, विद इन अ टाइम, एक लिमिटेड टाइम में कंपनी वाइज कंपटीशन होता है, उसमें अगर लगाते हैं टेंट पिचिंग का, तो उसमें आप मेडल दे सकते हैं। पूरी पूरी टेंट पिच करने वाली कंपनी को, पूरे का पूरे सभी को मेडल मिलता है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि मेडल्स लेने के कितने सारे तरीके हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कल्चर में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और मैंने ये सब प्रूफ बताया आपको विद प्रूफ, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और लास्ट में एक बात और बता दूं कि हो सके ना तो इन सभी में पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आप एनसीसी कैंप में अपने आपकी स्किल्स को डेवलप करने जा रहे हैं, फैसिलिटी को डेवलप करने जा रहे हैं, तो आपकी जो भी यूनिक स्किल है उसको शो करना, डरना बिल्कुल मत, ठीक है। डर लगता है कि कैसे डांस करेंगे, मुझे पता है जिन लोगों ने कभी कहीं नहीं किया ना उनको लगता है डर, ठीक है, मुझे भी काफ़ी सारा लगा था कि कैसे क्या होगा, बट डर को निकालना पड़ेगा, उससे आपको जीतना होगा। तो पार्टिसिपेट करना, 500 कैडेट के सामने करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा कि किस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर योर सीएटीसी कैंप, अपकमिंग सीएटीसी कैंप। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये हमारी माता श्री, कहाँ जाइए, इधर आइए, ओके। तो अभी माता जी जल चढ़ाने गए थे, तो लोटा लेके आए हैं ना, तो जय हिंद दोस्तों।